दोस्तों जय हिंद। रणवीर सिंह द वॉइस ऑफ अ सैनिक। उम्मीद के आप अच्छे से होंगे। जैसा कि चुनावी मौसम चल रहा है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान जिनकी प्री प्लान थी छुट्टियां, वो भी गड़बड़ा गई। किसके कारण? इलेक्शन के कारण। ये आज से नहीं, ये सिलसिला पिछले 6 महीने से चालू है। यहां 100 दिन का फार्मूला फेल हो रहा है। पीछे 5 स्टेट के इलेक्शन थे, इलेक्शन कौन करवाता है? एज पर गाइडलाइन बाई इलेक्शन कमीशन के केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं, वो चुनाव में निष्पक्ष भूमिका निभाते हैं। इसलिए बिस्तर के नीचे रस्सी बंधी हुई है। बॉर्डर की ड्यूटी के साथ, चाक चौबंद चौकीदारी के साथ, बाढ़ भूकंप के साथ, कोई भी ड्यूटी हो, लॉ एंड ऑर्डर के साथ, नक्सल बाहुल क्षेत्र हो या बेकाबू मणिपुर, मैं कहूंगा मेरी शुरुआत मणिपुर से ही हुई थी। मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को इस सीआरपीएफ डे, जो 19 मार्च आज बड़ी परेड भी हो रही है, मेरा दुर्भाग्य कि जो बीएसएफ हेडक्वार्टर, उनको सलूट और सलाम कि वो लोग निमंत्रण भेजे थे, तब हम जैसलमेर और पंजाब में गए थे बड़ी परेड में शामिल होने के लिए। और सीआरपी जिसमें हमने 37.5 साल नौकरी की, कोई निमंत्रण नहीं आया। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये बात कहना चाहूंगा, बहुत बहुत मुबारक सीआरपीएफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जन्मदिन का कोई पता ही नहीं है। नए सत्ताधीश आते हैं, नए लोग आते हैं, नए डीजी आते हैं, उसको सिलसिले को बदलते रहते हैं। कभी 27 जुलाई जब इस महान फोर्स का उदय हुआ, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस 1939, फिर कभी 31 अक्टूबर होता था कि भाई ये सरदार पटेल का जन्म, फिर वो मोहतरमा जो हमारी, जिन्होंने बांग्लादेश की पूंछ काट के, पाकिस्तान की पूंछ काट के एक बांग्लादेश बनाया था, याद है आपको, 1971, धूल चटाई थी उनका, जो है उनकी शहादत हुई, उस दिन मैं डायरेक्टरेट में था। फिर वो 31 अक्टूबर कैंसिल हो गया। ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है, नए लोग आ रहे हैं। आज जो है आपको मालूम है, अब इस बार जो है 19 मार्च को स्टार्ट कर दिया गया सीआरपीएफ डे की बड़ी परेड आज हो रही है इलाहाबाद में, प्रयागराज। 19 मार्च ही क्यों दोस्तों? जैसा कि आपको मालूम है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देश के गृह मंत्री, उन्होंने सीआरपीएफ को कलर आज 19 मार्च को ही प्रदान किया था ध्वज। इसलिए अब ये यहां से शुरू होगी, पहले उनके जन्मदिन पे होता था। खैर, आगे बढ़ते, झंडा प्रदान किया, कलर प्रदान किया, लेकिन दोस्तों हम पिछले 9 साल से ये आवाज उठा रहे हैं कि भाई फिर झंडा, हमको झंडा कलर प्रदान कर दिया तो झंडा दिवस भी तो होना चाहिए, फ्लैग डे होना चाहिए।
सवाल तो दागा जाएगा कि सेना फ्लैग डे तो वाई नॉट अर्धसेना या पैरामिलिट्री फ्लैग डे। और फिर दोहरा रहे हैं दोस्तों, कम से कम आप हमारे में बीच में अपील करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप आंदोलन में नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन घर बैठे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा अगर हमारी बात आपको पसंद आए तो। हां, तो मैं कह रहा था कि झंडा, इस झंडा दिवस की स्थापना के लिए कोई भी सरकार को बजटरी सपोर्ट नहीं है चाहिए, बिकॉज जैसा आपने, बड़ी बात है माननीय गृह मंत्री, आपने 50% जीएसटी बजटरी सपोर्ट के थ्रू माफ की है, जो एमएचए को जो बजट मिलता है उसी में से निकाल के आप सीपीसी कंटीन, जिसको केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार बोलते हैं, उसको देंगे आप। तो मान्यवर, जैसे सेना को केंद्रीय बजट से, फिनेंस मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिलती है, 50% जीएसटी एग्जम्प्ट होता है, किसी तरह हमारा भी किया जाए, खैर कोई बात नहीं। तो इसमें जो सेना फ्लैग डे में दोस्तों जो लाखों करोड़ों रुपया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया हर साल 7 दिसंबर को होता, डोनेट करते हैं लोग, हम भी पैरामिलिट्री के वेटरन्स और जवान भी करते हैं, फ्लैग लगाया जाता है, फ्लैग, ओके? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह का, हमें भी पैरामिलिट्री फ्लैग डे, और मैं आपके लिए बता दूं कि 2 फरवरी 2021 केंद्रीय गृह सचिव, जिनके एक्सटेंशन हुए हैं, अभी भी हुए, उनको जो है उनसे मुलाकात की गई, माननीय गृह सचिव से, एडीजी आचार सिंह के नेतृत्व में, और हमने कहा कि सर ये ऐसा हो सकता है, कीजिए आप, कोई बजट की जरूरत नहीं, और जो पैसा मिलेगा वो हमारे जवान जो ऑपरेशन में अपंग होते हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, वीरांगनाएं हैं, शहीद परिवार हैं, विधवाएं हैं, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा पुनर्वास में वो पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सेना, भारतीय सेना करती है। और उन्होंने कहा यस, बहुत ही गुड आइडिया, और हम इसके लिए 21 यानी कि पुलिस स्मृति दिवस या 31 अक्टूबर सरदार पटेल के जन्मदिन पर इसकी हम घोषणा करेंगे। अच्छी बात है साहब, आज तक नहीं हुआ, हम चाहेंगे कि आज झंडा दिवस के ऊपर सीआरपी ने तो पूरा देश संभाला है, शांति दी है, लंबा इतिहास है, संसद से लेके सरदार पोस्ट से लेके स्प्रिंग हॉट तक हमने तो, आपने तो बचाया, आज पूरे देश में जवान लगे हुए हैं, और जिनको सुविधाएं मिलनी है, माफ कीजिएगा, बैरिक्स में, लेकिन हम बॉर्डर्स पे हैं। उम्मीद के गृहमंत्री सेनापति तक ये वीडियो जाए कि वी वांट झंडा दिवस, पैरामिलिट्री झंडा दिवस। ये मेरे दिल की आवाज, रणवीर की, पूरे हिंदुस्तान के पैरामिलिट्री परिवारों में पहुंचे, ऑफिसर्स में पहुंचे, हर कंपनी बटालियन लेवल पे पहुंचे, ताकि सरकार तक, माननीय मोदी तक की आवाज जाए। थैंक यू सो मच, सेफ्टी से रहिएगा, इलेक्शन का दौर है, निष्पक्ष चुनाव करवाइएगा, क्योंकि आप किसी पार्टी बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप किसी पार्टी का फेवर करते हैं तो आपको खाकी या कॉम्बैट वर्दी पहनने का अधिकार है, चश्मा उतार दीजिएगा, निष्पक्ष चुनाव करवाइए, मदद कीजिएगा लोगों को,
कोई भी हरकत अगर आपने बेजा हरकत की तो माफ कीजिएगा, आप कैमरे की नजर में है, ये ध्यान रखिएगा और अच्छे से उसके बाद छुट्टी मिलेगी यारो, कोई ऐसा काम मत कर देना। और सफर के दौरान में दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, ड्रिंक्स वगैरह भी उसका एक कारण है, और इसलिए ऐसा ना करें। मैं मेरे जवानों को, ऑफिसर्स को, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को, जिसका मैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, उस सीआरपीएफ ने मुझे बहुत कुछ दिया, सभी लाखों परिवारों को मैं इस सीआरपीएफ डे के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। और खबरें और भी हैं, हक की लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच, खिले खिले से रहिए, और सभी ऑफिसर्स को और जवानों को और उनके परिवारों को रणबीर सिंह का सैल्यूट और सलाम। वॉइस ऑफ अ सैनिक रणबीर सिंह जी।